केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के एक दांव से देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा और बहस शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है और निर्देश दिया है कि संसद सत्र के दौरान सभी बड़े अधिकारी दिल्ली में ही रहें। अमूमन सरकार ऐसे निर्देश किसी बड़ी घटना के संदर्भ में ही देती है। इससे कयास लगाया जा रहे हैं कि केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन इंडिया को कमजोर करने के लिए बड़ी सियासी चाल चल सकती है। ऐसे सियासी रणनीति में वन नेशन वन इलेक्शन विपक्षी एकता को तोड़ने में कारगर हो सकती है। आपको बता दें कि अगर देश में एक ही समय लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इस बात की गहरी और बड़ी आशंका है कि चुनाव में स्थानीय मुद्दे कमजोर पड़ जाएंगे। आमतौर पर लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में जहां राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, वहीं विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे और स्थानीय समीकरण काम करते हैं। राष्ट्रीय पार्टियां राष्ट्रीय मुद्दे उठाती हैं, जबकि स्थानीय और क्षेत्रीय पार्टियां स्थानीय मुद्दों पर बात करती हैं। ऐसा भी अक्सर होता है कि एक ही पार्टी के लिए दोनों चुनाव के मुद्दे और चुनावी वादे अलग अलग होते हैं। ऐसे में ये संभावना है कि एक साथ देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने से क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि क्षेत्रीय दल चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में राष्ट्रीय दलों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों और स्थानीय मतदाताओं से गहराई से जुड़े होते हैं, इसीलिए एक साथ चुनाव होने की दशा में सभी दलों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग घोषणा पत्र, चुनावी वादे और चुनावी रणनीतियां बनानी होंगी। इसमें बहुत फंड की जरूरत होगी, जिससे क्षेत्रीय दल कमजोर साबित हो सकते हैं। जानकारों की माने तो राष्ट्रीय पार्टियों, खासकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का गेम प्लान फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि उसे देश भर में एक ही मशक्कत करनी पड़ सकती है। साथ ही उसके अधिकांश मुद्दे राष्ट्रव्यापी और बीजेपी कांग्रेस की एक दूसरे की काट वाले होंगे। लेकिन दूसरे हाथ कांग्रेस को इस बात का भी डर रहेगा कि उसके सहयोगी दल इससे नाराज हो सकते हैं। बहरहाल किसी भी दल की तरफ से इस पर कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।